Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे वीडियोस डालती हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशनल वीडियोस, मेंटल हेल्थ के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सोशल साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक ग्रुप का। ठीक है, तो ग्रुप्स वाले टॉपिक पे मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसपे हमने बात की है कि ग्रुप्स क्या होती हैं, ग्रुप की फॉर्मेशन की जो 5 स्टेजेस होती हैं वो स्टेजेस क्या होती हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्रुप में, डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप से रिलेटेड वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। उस पूरे ग्रुप के एक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी हमारे सोशल साइकोलॉजी के ग्रुप के टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये, जिसे हम बोलते हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, थ्योरी तो हम पढ़ते रहेंगे पर सोशल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो सोशल आइडेंटिटी इज अ पर्सन्स सेंस ऑफ हु दे आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। तो देखो, हम सब लोग किसी ना किसी ग्रुप में ज़रूर बिलोंग करते हैं, राइट? जैसे हमारे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है या फिर हमारा एक कम्युनिटी है या हमारी एक सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, राइट? या फिर हमारा एक रिलेटिव्स का एक ग्रुप है, कजन्स का एक ग्रुप है। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं और हम उस ग्रुप के मेंबर होने के नाते क्या आइडेंटिटी डिराइव करते हैं अपनी, उसको हम बोलते हैं सोशल आइडेंटिटी। कि आप एक ग्रुप के मेंबरशिप से अपनी आइडेंटिटी जो लेते हो, दैट इज़ रेफर्ड टू एज सोशल आइडेंटिटी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है साइकोलॉजी में जिनका नाम है हेनरी टैजफेल। हेनरी टैजफेल ने 1979 है जो ईयर है जो आपको याद रखना है, ठीक है? हेनरी टैजफेल ने 1979 में ये बोला था कि ग्रुप्स जिसमें लोग जो हैं वो बिलोंग करते हैं और जब भी लोगों को लगता है कि हम एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं या जिस ग्रुप में हम बिलोंग करते हैं दैट इज़ अ नाइस ग्रुप, या सिंपली इफ़ आई नो कि आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, बी इट अ डांस ग्रुप, फुटबॉल ग्रुप या फिर मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप, तो उससे एक इंसान को क्या मिलता है, उससे एक इंसान को प्राइड की फीलिंग आती है और उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो इंक्रीज होता है, उसको एक सेल्फ एस्टीम मिलता है एक ग्रुप का मेंबर होने से। तो हेनरी टैजफेल ने बताया था कि ये एडवांटेजेस हमको मिलते हैं एक ग्रुप का मेंबर होने से। ठीक है, नाउ ग्रुप्स गिव अस अ सोशल आइडेंटिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द सोशल वर्ल्ड। तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि हम किसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो दिस इज़ वॉट द ग्रुप गिव्स अस, सोशल आइडेंटिटी देता है हमें ग्रुप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, सेल्फ एस्टीम देता है, प्राइड देता है। अब हेनरी टैजफेल ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी और वो चीज़ क्या थी, स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, पुटिंग पीपल इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। जब हम लोगों को पर्टिकुलर ग्रुप्स में डाल देते हैं या कुछ कैटेगरीज में प्लेस कर देते हैं लोगों को, उस चीज़ को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप कर देना। तो हेनरी टैजफेल ने कहा था कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग का प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस होता है, इट इज़ अ नॉर्मल कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की कैटेगरीज में ग्रुपिंग करता ही करता है। जैसे अगर आप एक क्लास में पढ़ते होगे तो वहाँ पे भी आप नोइंगली या अननोइंगली ग्रुपिंग कर लेते होगे कि ये पर्टिकुलर बंच ऑफ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडियस हैं, ये पर्टिकुलर बंच ऑफ लोग हैं जो प्रोबेबली इतने स्टूडियस नहीं है बट दे हैव अ मोर क्रिएटिव माइंड, आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग बड़े अच्छे हैं। तो ऐसे करके हम जो है नॉर्मल तरीके से लोगों को ग्रुप्स में डाल देते हैं, कैटेगरीज में डाल देते हैं। तो हेनरी टैजफेल ने इसी से रिलेटेड जो बात कही थी वो यही कही थी दैट द टेंडेंसी टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर बहुत नॉर्मल होती है ये टेंडेंसी, और हम भी आपस में जो है ग्रुप करते हैं एक दूसरे को ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप।
अब इन ग्रुप क्या हो गई, इन ग्रुप इज हमारी ग्रुप, मेरी जो ग्रुप है वो हो गई इन ग्रुप, और आउट ग्रुप क्या हो गई, किसी और की जो ग्रुप है जो मैं दूर से देख पा रही हूँ एज एन आउटसाइडर, वो मेरे लिए हो गई आउट ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डांसिंग एकेडमी का पार्ट हूँ, ठीक है, तो उस डांसिंग एकेडमी की तरफ से मेरा और मेरे 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, वो कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा है किसी और डांसिंग अकेडमी के स्टूडियो में, ठीक है, तो मेरा और मेरे 5 फ्रेंड्स का जो ग्रुप हो जाएगा वो मेरे लिए क्या होगा, इन ग्रुप, क्योंकि वो मेरा ग्रुप है। और जिनके साथ मैं कॉम्पीट करूँगी, जिनके साथ मेरा और मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप कॉम्पीट करेगा डांसिंग कॉम्पिटिशन में, वो जो दूसरा ग्रुप हो जाएगा दूसरे लोगों का, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउट ग्रुप, क्योंकि हम उस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। सो दिस वॉज अ जिस्ट अबाउट कि सोशल आइडेंटिटी क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, और ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। नाउ ये जो हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, इसका एक सेंट्रल हाइपोथेसिस है, ठीक है। सेंट्रल हाइपोथेसिस क्या है कि, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सेंट्रल हाइपोथेसिस इस थ्योरी का है कि ग्रुप मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप विल सीक टू फाइंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन आउट ग्रुप, थस एनहांसिंग देयर सेल्फ इमेज। तो अक्सर क्या होता है कि हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, तो हम अपनी ग्रुप की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, अपने ग्रुप को बड़ी पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, तो अपनी जो बेसिकली इन ग्रुप है उसको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, पर जो आउट ग्रुप है उसमें हम कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां ढूंढने की, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की जिससे हम अल्टीमेटली हमारी जो खुद की सेल्फ इमेज है जो उस ग्रुप का मेंबर होने से हमें मिल रही है वो इंक्रीज होए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि दूसरे ग्रुप के हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं या आउट ग्रुप के नेगेटिव एस्पेक्ट, ताकि अल्टीमेटली हम अपनी ग्रुप को पॉजिटिव लाइट में देख सकें, और क्योंकि हम उस ग्रुप के मेंबर हैं तो हमारी भी जो सेल्फ इमेज है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। इसी से रिलेटेड है रेसिज्म का व्यू, जो प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं हम लोग दूसरे कल्चर्स को लेके, और अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फेवर करने लग जाते हैं और दूसरे कल्चर को बिल्कुल फेवर नहीं करते, और विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रेसिज्म। यही चीज़ वहाँ पे भी एक्चुअली हो रही है कि हमारा जो कल्चर हो गया वो हमारा इन ग्रुप हो गया, हम उसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, राइट, बट जो दूसरों का कल्चर हो गया वो हमारे लिए आउट ग्रुप है, तो वी आर व्यूइंग दैट कल्चर इन सम नेगेटिव लाइट सो दैट हम अपनी खुद की सेल्फ इस्टीम और खुद की जो सेल्फ इमेज है उसको इनक्रीज कर सकें। फिर एक और छोटा सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं सोशल कैटेगराइजेशन। सोशल कैटेगराइजेशन इज़ वन एक्सप्लेनेशन फॉर प्रेजुडिस एटीट्यूड। ये जो प्रेजुडिस एटीट्यूड होता है ना कि हमारी ग्रुप अच्छी है और जो दूसरी ग्रुप है, दूसरे कल्चर की ग्रुप है, वो बेकार है, दैट इज़ वॉट इज़ प्रेजुडिस। और प्रेजुडिस में प्रेजुडिस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सोशल कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, हम लोगों को कैटेगरीज में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द सेंट्रल हाइपोथेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, कि ये क्या कह रहा है कि हम अपनी ग्रुप को पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, दूसरों की ग्रुप यानी कि जो आउट ग्रुप है उसको नेगेटिव लाइट में देखते हैं, उसमें हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एज द नेम ऑफ द थ्योरी सजेस्ट, सेल्फ आइडेंटिटी। अपनी जो आइडेंटिटी अपनी ग्रुप के साथ हमने अटैच कर रखी है, तो अगर हम अपनी ग्रुप को पॉजिटिव लाइट में देखने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को भी पॉजिटिव लाइट में देखने लग जाएंगे, अपने आप की जो इमेज हमारे मन में होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस सेंट्रल हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरी। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस थ्योरी, जो कि टैजफिल एंड टर्नर ने दिया था। सो टैजफिल एंड टर्नर सेड कि 3 मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के फॉर्मेशन के में, ठीक है। तो हम कैसे इन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप तो मेरी ग्रुप है और जो दूसरी ग्रुप है वो मेरी ग्रुप नहीं है, वो आउट ग्रुप है। तो ये चीज़ें करने के लिए, इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट अदर्स एज अस फॉर देम, देर आर 3 मेंटल प्रोसेसेस, और ये जो 3 मेंटल प्रोसेसेस हैं ये इसी ऑर्डर में टेक प्लेस करते हैं जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है सोशल कैटेगराइजेशन,
फिर होता है सोशल आइडेंटिफिकेशन और फिर फाइनली होता है सोशल कंपैरिजन। तो एक एक करके फटाफट हम इन तीनों चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज सोशल कैटेगराइजेशन? ठीक है, अब देखो ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हो, राइट? इस वाली इमेज में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी मैक्सिमम क्या हो गई? वेजिटेबल्स। ये ग्रेप्स को छोड़ के हमारी सारी चीज़ें क्या हो गई? वेजिटेबल्स। और यहाँ पे हमारी जो तीन चीज़ें हैं ये हो गए हमारे फ्रूट्स। तो ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग हम ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो वेजिटेबल्स हैं, इनको एक जगह रख दो, और ये ग्रेप्स भी यहाँ से उठा दो और इनको इन फ्रूट्स के साथ सजा दो ताकि ये सारे एक जगह फ्रूट्स हो जाएं। तो अगर हम इतनी बेसिक सी चीज़ को भी कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हम जो हैं अपने आसपास जो लोग होते हैं, द पीपल अराउंड अस, वी ऑल्सो कैटेगराइज दोज पीपल, ताकि हम अपना जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उसको समझ सकें। ठीक है, अब होता क्या है सोशल कैटेगराइजेशन से, क्या हेल्प मिलती है हमको? With the help of social categorization, we are able to find out things about ourselves and by others by knowing what categories we or they belong to. तो जैसे ही हम ये जानने लग जाते हैं कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, कोई और किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है। अपने बारे में तो लगती ही लगती है, बट दूसरों के बारे में भी पता लगती है, राइट? वी डिफाइन appropriate बिहेवियर by reference टू द norms ऑफ ग्रुप वी belong टू। इसका मतलब ये होता है कि हम किस बिहेवियर को as गुड बिहेवियर बोल रहे हैं वो डिपेंड करेगा ऑन द ग्रुप यू belong टू। हो सकता है आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग चीटिंग करना एक गुड बिहेवियर है, पर दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग चीटिंग करना बैड बिहेवियर है। तो किस बिहेवियर को हम गुड कह रहे हैं या बैड कह रहे हैं डिपेंड करेगा कि आप किस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपके ग्रुप्स के क्या नॉर्म्स, क्या रूल्स हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को कैटेगराइज करते हैं। फिर जैसे ही हमने अपने आसपास के लोगों को कैटेगराइज कर लिया, फिर आता है प्रोसेस ऑफ सोशल आइडेंटिफिकेशन। ना सोशल आइडेंटिफिकेशन स्टेज में क्या होता है, वी अडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप्स वी हैव कैटेगराइज्ड आरसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू। तो जब हमने अपने आसपास के लोगों को कैटेगराइज किया, तो फाइनली हम अपने आप को भी ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो हमने ग्रुप्स को तो कैटेगराइज ऑलरेडी कर लिया, अब जो ग्रुप्स को कैटेगराइज किया हुआ है उसमें से जो हमें मोस्ट रेलेवेंट ग्रुप लगती है उसके साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अब ये ग्रुप जो है ये मेरी इन ग्रुप हो गई। एंड ऑल्सो जब हम एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देर इज़ सम अमाउंट ऑफ इमोशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, एक इमोशनल सिग्निफिकेंस होता है आपकी आइडेंटिफिकेशन विद दैट ग्रुप। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका सेल्फ एस्टीम है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली उस ग्रुप के रेपुटेशन पे, उस ग्रुप के मेंबर्स कैसे हैं, उस ग्रुप का कैसा यू नो फील गुड फैक्टर है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ इमेज। सो फर्स्ट वी कैटेगराइज पीपल अराउंड अस। ठीक है, कैटेगराइज कर लेते हैं जब हम लोगों को डिफरेंट ग्रुप में, फिर उसमें से एक ग्रुप के साथ जो हमें काफ़ी रेलेवेंट लग रही है हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी ग्रुप आइडेंटिफाई कर ली, इन ग्रुप बना ली। फिर जो लास्ट स्टेज आता है वो आता है सोशल कंपैरिजन का स्टेज। नाउ व्हाट हैपेंस इन सोशल कंपैरिजन इज कि हमने देखो कैटेगराइज भी कर लिया, हमने जिस ग्रुप को कैटेगराइज किया उसके साथ हमने अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब बारी क्या आती है कि हम अपनी ग्रुप को दूसरों की ग्रुप से कंपेयर करें, यानी कि इन ग्रुप को आउट ग्रुप के साथ कंपेयर करें। And in order to maintain our self-esteem, we mostly view our group more positively. तो ताकि हम अपनी खुद की self-esteem increase कर सकें, अपने आप को अच्छा देख सकें, तो हम अपनी जो in-group है उसको बड़ा positively देखते हैं और out-group को comparatively less positively देखते हैं, and most of the times हम negatively देखते हैं, right? अब last चीज़ जो हम discuss करने वाले हैं social identity theory में वो ये है कि when people belong to a group,
जिसका काफ़ी लो स्टेटस है, ठीक है, कि बाय चांस मैंने एक ग्रुप के साथ यू नो आइडेंटिफाई कर लिया, मैं एक इन ग्रुप के मेंबर बन गई, बट मैंने रियलाइज़ किया कि इस ग्रुप का जो है लो स्टेटस है, हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में लो स्टेटस हो, मे बी उस ग्रुप की इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, या इकोनॉमिकली लो स्टेटस है, या फिर सोसाइटियली लो स्टेटस है, देर कैन बी एनी फैक्टर, ठीक है, मे बी किसी फैक्टर में मुझे लगता है कि मैं जिस ग्रुप में बिलोंग करती हूँ उस ग्रुप का बड़ा लो स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू जो बाकी ग्रुप्स हैं। तो उस सिनेरियो में लोग क्या करेंगे, जब किसी इंसान को ऐसा लगने लगे कि जिस ग्रुप में वो बिलोंग कर रहा है या कर रही है उस ग्रुप का बड़ा लो स्टेटस है, तो उस इंसान में, उस केस में इंसान क्या करता है, दैट पर्सन ट्राइज टू मेंटेन अ पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी। अब ये पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी मेंटेन करने के, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तीन तरीके हैं। पहला तो है कि आई विल लीव द ग्रुप। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा है फिजिकली / साइकोलॉजिकली, दैट मीन्स या तो आप फिजिकली ही उस ग्रुप को लीव कर दो, यानी कि सारे मेंबर्स को बोल दो आई विल नो लॉन्गर बी कमिंग फॉर द मीटिंग्स, और अब मैं इस ग्रुप का बिल्कुल भी पार्ट नहीं हूँ, और अब आप उस ग्रुप के साथ उठना बैठना भी बंद कर दो, दैट विल बी कि आपने उस ग्रुप को फिजिकली लीव कर दिया। एंड साइकोलॉजिकल लीविंग वुड बी कि आपने मनी मन में सोच लिया है कि अब मुझे इस ग्रुप के टूवर्ड्स कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना, कुछ हार्डवर्क नहीं करना, इस ग्रुप के जो भी टास्क होने हैं उसके लिए, तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं मनी मन में आपने उस ग्रुप को छोड़ दिया है। सो ये करने से आप अपने आप की एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बना सकते, क्योंकि नाउ यू फील दैट यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप विच हैज लो स्टेटस। दूसरी चीज जो अक्सर लोग करते हैं वो करते हैं फोकस ओनली ऑन दोज डायमेंशंस दैट मेक द इन ग्रुप लुक रिलेटिवली गुड। तो देखो, हर एक ग्रुप का ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे उस ग्रुप में जिसकी वजह से आप इनिशियली अट्रैक्ट हुए थे उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो लोग अक्सर क्या करने लग जाते हैं व्हेन दे फील कि इस ग्रुप का लो स्टेटस है, तो दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन ओनली दोज फैक्टर्स जो उनकी ग्रुप को अच्छा दिखा रहे हैं, जो उनकी ग्रुप के बारे में अच्छी चीज़ें हैं, सिर्फ उस पे फोकस करने लग जाते हैं ताकि उनकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव ही रहे, हाई रहे, मेंटेन रहे। एंड समटाइम्स ऑल्सो वॉट पीपल कैन डू, इग्नोरिंग द डायमेंशंस दैट पुअरली रिफ्लेक्ट इन द ग्रुप फॉर द इन ग्रुप। तो ऑफकोर्स अगर कोई सिर्फ गुड फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है, अपने ग्रुप के पॉजिटिव फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिव डायमेंशंस हैं अपने ग्रुप के उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं व्हेन पीपल फील दैट दे बिलोंग टू अ ग्रुप विच इज़ हैविंग अ लो स्टेटस एंड दे ट्राई टू यू नो मेंटेन दे पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बाय फॉलोइंग एनी ऑफ दीज थ्री मेथड्स और मे बी ऑल थ्री मेथड्स, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई डू होप कि आपको जो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है वो समझ आ गई हो, और बाकी की जो वीडियोज़ हैं ग्रुप के चैप्टर से रिलेटेड या फिर सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसकी जो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक होती है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मेक श्योर गाइज यू चेक दैट आउट। और हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और हमारी एक वेबसाइट भी है जिस पे हम साइकोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग्स डालते हैं। इंस्टाग्राम के और वेबसाइट के भी जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इफ़ यू फील कि आपको इस चैनल से किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है या एडवांटेज मिल रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।